हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ दिन पहले इंडोर प्लांट्स की एक वीडियो डाली थी, उसमें मुझे पूछ रहे थे कि कई फ्रेंड्स मेरे कि स्नेक प्लांट को कितने साल हो गया कि इतना लंबा लंबा हो गया है। फ्रेंड्स ये मैंने इस पॉट में लगाए हुए 2 साल से ऊपर तो हो गया है और मैंने इसको डिस्टर्ब भी नहीं किया है, तो काफ़ी अच्छी सी ये बढ़ रही है। ये तो फुली इंडोर प्लांट है, इसके बारे में तो बताना सबको, आजकल सबको पता ही है कि एक नासा रेकमेंडेड भी बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो सब लाता है और ये दिन और रात दोनों समय भी ऑक्सीजन हमें देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे आजकल सभी के घर में हम देखने को मिलता है और मैं भी आपसे कहूँगी कि आप 2 से 3-4 पॉट्स में ये ज़रूर लगा के घर के सामने रखें और घर के अंदर भी ये आराम से चल जाता है बिना पानी बिना खाद। कितने दिन भी आप छोड़ेंगे ये सूखेगा नहीं, पानी अगर कहीं दिन तक नहीं डाला जाएगा तो भी ये चलेगा। तो इसे लगाना तो बहुत ही आसान है, इस साइड से पप्स जो निकलते हैं वहीं से आप ग्रो कर सकते हैं निकाल के। तो देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक फ्रेंड को दिए थे, ये वहीं पर ऐसे ही छोड़ दिए मैंने 1-2 देने के बाद, तो यहाँ साइड से देखिए और एक निकल कर आ रही है। तो देखने में भी काफ़ी सुंदर रहता है कि लंबा लंबा, ये साइड्स में जो भी आता है मैं इनके कट करके निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे साइड ऊपर से ही मुझे इसको चाहिए। और ये इतना फैल गया है कि मैं इसको बांध कर रखी हूँ, नहीं तो ये पूरे आते जाते हमको टच कर रहा था। तो फ्रेंड साइड से एक येलो का एक लेयर और बीच में ग्रीन देखने को बहुत ही खूबसूरत है। घर के अंदर आप रखेंगे तो बेडरूम्स में बाथरूम्स में इस तरह की जगह पर आप रखेंगे जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी जो रहती है वो सब दूर होकर आपको पॉजिटिव एनर्जी ये देती है। ये देखिए मेरे की सबसे लंबी वाली तो यही एक है, बहुत लंबा हो गया है। मैं इसे इंडोर रखती हूँ, कुछ दिन के बाद मैं फिर से हल्की सी धूप वाली जगह पर रखती हूँ और पानी डालते समय इसके ऊपर भी मैं पानी डालती रहती थी क्योंकि धूल वगैरह है वो चले जाए। तो इसी वजह से शायद मेरा इतना अच्छा ग्रोथ ये हो चुका है। इस तरह के टूटा हुआ को आप ऊपर से कट कर लीव का शेप आप दे सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ ऊपर का ना टूटे इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा तो ये बढ़ता ही रहता है। देखिए टिप जो ऊपर है वो सब बढ़ने की एक है, ये इसको मैं कट कर इस तरह शेप दे दूंगी मैं। तो इस तरह से आप मेंटेन रखिएगा, बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सी प्लांट ये है। और पानी अगर हफ्ते भर 15 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं तभी भी आप पानी नहीं डालेंगे तो भी ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि सूखकर इसकी पत्तियां गिरने वगैरह लगे, कुछ भी नहीं होता है। आप इस तरह के पौधे जो है आप लगा सकते हैं, ऑफिस में हो या ऑफिस के जाने वाली महिलाएं हैं उन्हें देखभाल करने को नहीं होती है तो इस तरह का पौधे आप लगाइए। और एक कहीं से भी एक पत्ती आपको मिल जाए तो पानी में रख दीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा लीजिएगा तो इसका प्रोपोग्रेशन हो जाता है। बहुत ही अच्छी और सुंदर प्लांट है ये, तो मैं कुछ दिन अंदर और कुछ दिन बाहर रखती हूँ इसे। और फर्टिलाइज़र तो मैं आजकल बहुत कम बिल्कुल भी नहीं दिया है मैंने, कई कई कबार एक लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी बना देती हूँ तो तभी तभी, कभी 3-4 महीने हो जाता है, कभी 1 साल तक भी हो जाता है, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि ये बिना खाद और बिना केयर वाला ही चलने वाला एक पौधा है। सिर्फ अच्छी पानी और थोड़ी सी धूप या लाइट इसे दिखा दे हवा तो इस तरह से ये चल जाती है। तो मैं हमेशा दोनों जो है वो मॉइस्ट रखी हूँ क्योंकि मैं इतने दिन इसे धूप में रखती थी तो मॉइस्ट रखना मेरे लिए ज़रूरी था। तो देखिए कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत सी प्लांट मेरी, इसे मदर इन लॉ का टंग भी बोला जाता है, स्नेक प्लांट बोला जाता है, तो कहीं नाम से इसे जाना जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा पौधा जो है।
मैं इसी तरह से मेंटेन कर रही हूँ। पानी का छिड़काव, अच्छी धूप, अच्छी हवा और बैलेंस करती हूँ इंडोर और आउटडोर में। कुछ दिन इधर और कुछ दिन उधर बैलेंस कर कर मैं यहाँ पर इसे रख रही हूँ। तो ये सब मैं आज कट करने के लिए सोच रही हूँ। जो ऊपर से मेरे टिप है वो ख़राब हो चुके हैं और साइड्स पे जो है उसको भी मैं निकाल दूँगी यहाँ से कट कर कर। और ये इतना पुराना मेरा ये पॉट हो चुका है, मुझे इसको भी रिपोर्टिंग करनी है। देखती हूँ कितने दिन चलता है, उसके बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी। और मेरी हाइट से लगभग मिल रही है, इतनी हाइट इसकी हो चुकी है। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरह के पौधे जो हैं आप घर पर रखिएगा तो बहुत ही अच्छा होता है, वास्तु के हिसाब से भी और मेंटली रिलैक्स के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है।